हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने भी अपना नया अकाउंट खुलवाया है और वो जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है या हम इसमें कैसे शेयर्स को खरीद सकते हैं, कहाँ हमें अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो इन सब का आंसर हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 21 डेज का लॉकडाउन अनाउंस किया है, प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। दोस्तों, कुछ दिनों से हम वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्केट के बेसिक्स जानते हैं। दोस्तों, भारत में मुख्य दो स्टॉक एक्सचेंज है या शेयर बाज़ार जिसे कहते हैं, वो है, सबसे पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE भी उसे कहते हैं। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और ये पूरे एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। और दोस्तों, दूसरा मुख्य स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाज़ार है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे NSE भी कहते हैं। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों के अपने सूचकांक हैं, जिसे इंडेक्सेस कहते हैं। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक या इंडेक्स है सेंसेक्स। दोस्तों, सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 5000 कंपनीज में से जो 30 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उसको सेंसेक्स में लिस्ट किया गया है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty 50 इंडेक्स है, उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों में से 50 सबसे बड़ी कंपनियों को लिस्ट किया गया है। और Nifty 50 और सेंसेक्स की मूवमेंट को देख कर हम इस पूरे स्टॉक मार्केट का हाल जान सकते हैं कि आज बाज़ार में तेज़ी है या मंदी है। दोस्तों, Nifty 50 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में शेयर बाज़ार सुबह 9:15 पर स्टार्ट होते हैं और दोपहर को 3:30 यानी 3:30 पर क्लोज होते हैं। दोस्तों, से पहले 9:00 एक प्री ओपन सेशन होता है, जिसमें जो पिछले दिन के ऑर्डर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद नॉर्मल शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए 9:15 से मार्केट खुलता है और दोपहर को 3:30 मार्केट क्लोज होता है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाज़ार में आप डायरेक्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को बाय या सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 3 अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। एक होता है बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। दोस्तों, बैंक अकाउंट में आपके पैसे रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके आप शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, और जब भी शेयर्स को आप बाय करते हैं तो एक तीसरा अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट, उसमें आपके शेयर्स आप स्टोर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट आप एक ही जगह खुलवा सकते हैं बैंक ब्रोकर का इस्तेमाल करके, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़, HDFC बैंक की सब्सिडरी है, कोटक सिक्योरिटीज़ कोटक महिंद्रा बैंक की सब्सिडरीज हैं, और जो अलग अलग बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन सब में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर दोस्तों, इनके चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, जो कि बाय या सेल करने का जो चार्ज होता है उसे ब्रोकरेज कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकर का काफ़ी चलन है और भारत में अपस्टॉक्स, जीरोधा, 5paisa जैसे ब्रोकर्स आपको काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, अपस्टॉक्स की इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप है, तो आपको बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की सर्विस अपस्टॉक प्रोवाइड करता है, वो भी लो चार्जेस पर। और दोस्तों, सभी डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा या 5paisa के कंपैरिजन में अपस्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया सर्विस मिलती है। और आपको इसमें एक डॉक्यूमेंट भेजना होता है जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवाते हैं, वो होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसमें आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल पेपर होता है जिसको भेज कर आप अपने ब्रोकर को ये राइट देते हैं कि वो आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट से शेयर्स को सेल कर सकता है जब भी आप बेचना चाहें। तो इसमें आपको वो पेपर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अपस्टॉक्स में पूरा काम ऑनलाइन है अकाउंट ओपनिंग का। तो दोस्तों, अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये लिंक रेफरल लिंक होते हैं, रेफरल का मतलब आप जानते ही होंगे। दोस्तों, आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आपके ब्रोकर, चाहे आप किसी भी अकाउंट ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं, वो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड देते हैं। दोस्तों, सभी ब्रोकर्स और बैंक ब्रोकर्स के
ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते हैं जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप उसमें अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाते हैं तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रहता है। और दोस्तों यहीं से आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स के बेसिक्स जानेंगे, जैसे शेयर कैपिटल क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, पी रेशो क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EPS, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए और हमारी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू। जय हिंद।